आपको भी औकात दे के बात करनी चाहिए, ठीक है ना? आपको भी औकात दे के बात करनी चाहिए। आप औकात की बात कर रहे हैं? औकात की बात कर रहे हैं हम। फालतू बात कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं, बताइए। हम कब से बैठे हैं, कुछ बोले आपको? हाँ तो वीडियो बनाएंगे। चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने सामान थाना गई एक 9 माह की प्रेग्नेंट महिला से पुलिस के द्वारा किया गया व्यवहार एक बार फिर खाकी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस द्वारा महिला के साथ की गई अभद्रता का वीडियो भी बना है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला अपने हक के लिए पुलिस वालों से लड़ रही है, तो वही पुलिस वाले वर्दी का रौब दिखाकर महिला को डरा रहे हैं। आपको भी औकात दे के बात करनी चाहिए। आप औकात की बात कर रहे हैं? औकात की बात कर रहे हैं। हम फालतू बात कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं, बताइए। हम कब से बैठे हैं, कुछ बोले आपको? हाँ तो वीडियो बनाएंगे। अरे कमल जा काम करा। कुछ न कर पाएगा, जाएंगे सुबह। नहीं जाएंगे। बाहर जाओ यार। फालतू बात कर रहे हैं। चलो बाहर जाओ इसको। जबरदस्ती को तमाशा कर रहे हैं। फालतू। तमाशा कर रहे हैं। आप तमाशा करेंगे तो हाथ लगाएंगे आप। हाथ नहीं लगाएंगे, बाहर करो इसको यार। कैसे हाथ लगाएंगे आप? कैसे भाई, कैसे हाथ लगाएंगे? कौन लगाया तुमको? हाथ लगाया तुम मेरे को, कैसे लगाएंगे? मैं बदतमीजी ना करूं? बदतमीजी आप कर रहे हैं। मैं साफ बोल रहा हूं। हाथ नहीं जा रहे। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। समान थाना अंतर्गत जनता कॉलेज के पास रहने वाली महिला साधना तिवारी ने बताया कि 26 जुलाई को उनके पति नए बस स्टैंड गए थे, जहां से उनकी बाइक चोरी हो गई, जिसकी सूचना थाने को दी गई, लेकिन वहां कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आज करीब 2 बजे अनजान नंबर से फोन के माध्यम से सूचना मिली कि बाइक सिरमौर चौराहा स्थित रमा गोविंद में खड़ी हुई है। इस बात की सूचना फौरन थाने में पहुँच कर दी और पुलिस वालों को भी साथ में चलने के लिए कहा, तो उन्होंने मना करते हुए कहा कि खुद ही ली जाओ। थाने में उस वक्त ना प्रभारी थे ना मुंशी। बताया गया कि वो शाम को 5 बजे मिलेंगे। शाम को थाने पहुंचने पर पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं लिख रहे, वर्दी का रौब दिखाते हुए आरक्षक और मुंशी बदसुलूकी कर रहे हैं। तेरे पति को जेल में डाल देंगे। आरक्षक अभय यादव जूता मारने को कहता है, हाथ मड़ोर कर धक्का देते हुए बोला कि जो तुम्हारी FIR दर्ज नहीं लिखेंगे, जो करना है कर लो। साधना तिवारी मेरा नाम है। क्या घटना हुई आपको? मेरे साथ कल मेरे मोबाइल और बाइक चोरी हो गई मेरे हस्बैंड की न्यू बस स्टैंड से, जिसमें मैंने कंप्लेंट किया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं दोपहर में 2 बजे थाने आई थी, मुझे अननोन नंबर से कॉल आया कि आपके यहाँ से बाइक जो घूमी है वहाँ खड़ी है, मैंने रमा गोविंद के पास। मैंने इनको बोला यहाँ आके, तो ये बोले कि आप जाके देख आइए। मैं जाके बाइक देखी, वापस यहाँ आई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं घर चली गई, अभी आई जब यहाँ रिटर्न, तो यहाँ के जो ये मुंशी जी हैं और यादव जी हैं, स्टाफ हैं, वो जूता मारने के लिए बोल रहे हैं, FIR नहीं कर रहे हैं, हाथ पकड़ के बाहर भगा दिए, लपट रहे हैं, बोलते हैं तुम्हारी औकात नहीं है रिपोर्ट लिखने की, रिपोर्ट हम नहीं लिखेंगे, तुमको जो करना है कर लो, जहाँ कंप्लेंट करना है तो कर लो जाके, तुम 2 कौड़ी की औरत हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो। हम 9 महीने की बताइए प्रेग्नेंट हैं और हम दिन भर से थाने का चक्कर लगा रहे हैं, कोई इसकी कोई सुनवाई नहीं है थाने में, ना TI साहब हैं ना कोई है। मुंशी जी जो कि अभी आए हैं, जब दोपहर में हम आए तो मुंशी जी भी नहीं थे, बोले 5 बजे के बाद आएंगे, वो अभी आए हैं, उसमें कोई कैर नहीं है। जिसमें मेरे पास एक वीडियो मैं बनाई हूँ, जिसमें वो मेरे से लपट रहे थे, मेरे हाथ पकड़ रहे थे, मेरे मोबाइल छुड़ा रहे थे, मुझे जूता मारने के लिए बोले, बाहर भगा रहे थे, बोले तुम चले जाओ नहीं तुम्हारे हस्बैंड को हम FIR करके अंदर डाल देंगे, तुम्हारे हस्बैंड को जेल करा देंगे, फांसी करा देंगे, वो धमकी दे रहे हैं हमें। आपको भी उठाकर अंदर करने की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा हाथ पकड़े हुए थे। नहीं, आपको लॉकअप में बंद करने की बात? हाँ, लॉकअप में बंद करने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे बहुत प्रेग्नेंट लेडीज देखे, तुम्हारे जैसे सब लेडीज ऐसे ही करती है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तुम मेरे को बात कर रही हो, मेरे को चैलेंज कर रही हो, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, जा जो करना है तो कर ले, तेरे को जो करना है तो। आप प्रेग्नेंट है, इसके बाद भी तुम तरस? हाँ, कोई तरस नहीं खाए, मैं तीसरी चक्कर आई हूँ, कोई तरस नहीं है, और ऊपर से मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, जूता मारने बोल रहे हैं। सामान थाने का है। अभय यादव नाम है, बिल्ला नंबर 425 है, और थाने में मुंशी जी है, वो भी बदतमीजी कर रहे थे, पर अभय यादव हाथ पकड़ रहे थे, लपट रहे थे, मोबाइल छोड़ा रहे थे, जो कि वहाँ CCTV कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है, जो थाने में कैमरा लगा हुआ है, और भी जो वहाँ बैठे थे वो लोग भी देखे हैं, सब कोई देखे हैं, वो मुझे किस तरह से पकड़ के बाहर भेजे हैं, और मेरे हाथ से मोबाइल छीन रहे थे, मेरा दुपट्टा पकड़ रहे थे, तुम मेरा क्या कर लोगे? क्या चाहती हैं?
मैं चाहती हूँ कि इसके जो भी हो इसका इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसका इसको इसकी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, इसको अपनी नौकरी का बहुत घमंड है। शिकायत भी करेंगे कहीं की? शिकायत करेंगे हम अभी 181 में शिकायत करेंगे, SP साहब के यहाँ भी शिकायत करेंगे, दोनों जगह हम शिकायत करेंगे, क्योंकि हमें न्यायालय, ये अभी आधा घंटा की पहले की घटना है। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हूं? मैं रीवा की रहने वाली हूँ, जनता कॉलेज की। मेरा नाम साधना तिवारी है। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे ही अगर आम आदमी पुलिस के पास नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? अगर घटना घटी तो हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस जब सहायता नहीं करेगी तो आदमी कहाँ जाएगा? रीवा में इतना क्राइम हो रहा है, लोग बोलते हैं क्राइम इसीलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस वाले अपनी वर्दी का रोक झाड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि महिला 9 माह की प्रेग्नेंट है, ऐसे हालातों में सरकार भी उन्हें 6 माह की छुट्टी देकर आराम करने को कहती है। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके बावजूद भी महिलाओं को लेकर पुलिस कितनी संवेदनशील है यह देखा जा सकता है कि एक प्रेग्नेंट महिला है उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी JP पटेल ने कहा कि महिला के पति द्वारा अपने किसी साले को मोटर बाइक दिया गया था, लेकिन साले ने मोटर बाइक नहीं लौटाई और फोन बंद था, जिसके बाद यह थाने से शिकायत लेकर आए थे लेकिन FIR करवाने से मना कर दिया था। आज वीडियो बनाने को लेकर स्टाफ के साथ कहा सुनी हुई है, ये जांच का विषय है। जांच होने के साथ जैसे तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट, बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। ये बताया जा रहा है कि एक जो है इनके जो पति हैं, है ना, किसी कथित अपने साले को जो है मोटरसाइकिल दिए थे, तो मोटरसाइकिल ले गया था वो, बाद में फ़ोन उन बंद कर दिया था, उस पर इनने आवेदन दिया था इसके पति ने कि मोटरसाइकिल ले गया है और FIR करवाना नहीं चाह रहे थे, उसी बात को लेके थाने आए थे। तो उसमें महिला शायद वीडियो वगैरह बना रही थी, उसी में जो है स्टाफ के साथ कहा सुनी हुई है, उसकी जांच करेंगे और जांच में अगर गलत पाया जाता है तो उसमें विभागीय रूप से कार्रवाई। सर वीडियो में आरक्षक को मतली की करते हुए क्या है कि जैसे कोई थाने में आता है, ये भी जरूरी नहीं है कि हर आदमी आके वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दे यहाँ पे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए स्वाभाविक, पर अगर दोषी है, अगर गलती है तो उसमें जो है उसके प्रतिवेदन भेजा जाएगा उसके लिए।